जब मन हो कुछ तीखा खाने का और टाइम भी खूब सारा हो तो फिर क्या है, उठिए और झट से बना लीजिए ये चटपटे से छोले या काले वाले चने। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डालिए, उसमें थोड़े से क्यूमिन सीड्स, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा। उसके बाद इसको हमें कर लेना है थोड़ा सा कुक कर लेना है, थोड़ा सा कुक करना है जिससे क्रंच, उसका जो सब्ज़ी का एक क्रंच होता है जो नेचुरल, वो बना रहे। उसके साथ फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर के साथ साथ इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी दौरान इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक टमाटर को जल्दी गला देता है इसलिए इसको उसके साथ ही डाल दें। फिर उसके बाद इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आप किसी भी मिर्च भी डाल सकते हैं बट चिली फ्लेक्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे चने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने जो दो मसाले थे वो पहले डाले हैं, बाकी जो हम दूसरे मसाले डालेंगे जो खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए होंगे वो हम ऊपर से डालेंगे। तो फिर इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सबको मिक्स करके इसके ऊपर चॉप करी हुई धनिया की पत्ती, थोड़ी सी प्याज और नींबू, बट मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि मुझे गले में प्रॉब्लम थी, आप लोग डाल सकते हैं। और इसके बाद ये बन करके तैयार है, आप भी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और खुश रहिए।